हेलो एवरीवन वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड हमने आज तक हमारे इस चैनल पे अलग अलग डिसीजेस को सिंपल और इजी तरीके से लर्न किया है जिसका नॉलेज एग्जाम के लिए और डे टू डे लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है आज भी हम एक और डिसीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो है मम्स जिसे पैरोटाइटिस या फिर गलगन भी कहा जाता है मम्स ये वायरल डिसीज़ है जो पैरामैक्सो वायरस के इन्फेक्शन से होता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज़ कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आएगा तो उसे भी ये डिसीज होगा सो so, इसी वजह से ये कंटेजियस डिसीज़ के ग्रुप में आता है सो मम्स इज़ अ कंटेजियस डिसीज़ कॉज्ड बाय द मम्स वायरस विच बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ वायरसेज नोन एज पैरामैक्सो वायरस हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड और माइनर सलाइवरी ग्लैंड ऐसे दो टाइप के सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड तीन टाइप के होते हैं पहली है पैरोटिड ग्लैंड दूसरी है सब मैंडुबुलर ग्लैंड और तीसरी होती है सब ग्लैंड इसमें से जो पैरोटिड ग्लैंड है इसमें अगर मम्स वायरस ने अफेक्ट कर दिया तो ये ग्लैंड सूज जाती है और इसी कारण पेशेंट के गालों में अकड़न और सूजन दिखाई देती है और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है मम्स यूज टू बी अ वेरी कॉमन चाइल्ड हुड तो ये मोस्टली छोटे बच्चों को होने वाला डिसीज है जनरली दो से बारह एज के जो बच्चे हैं उन्हें यह वायरस अफेक्ट करेगा इफ दे आर नॉट वैक्सीनेटेड अगर ये बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है मतलब इस डिसीज़ के अगेंस्ट जो वैक्सीन है उससे अगर ये वैक्सीनेटेड नहीं है तो ही इन बच्चों को ये डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे सो मम्स से बचने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है जिसका नाम है एम एम आर वैक्सीन मतलब मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन मतलब ये वैक्सीन लेने से बच्चा मीजल मम्स और रूबेला इन तीनों ही डिसीज से बच सकता है सो ये ट्रिपल वैक्सीन है तो अगर कोई पर्सन वैक्सीनेटेड नहीं है और अगर वो मम्स वायरस के कांटेक्ट में आएगा तो उसे ये डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं बट कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो एडल्ट लोग हैं उनके वैक्सीन लेने के बाद भी मतलब उन्होंने जो बचपन में वैक्सीन ली है वो वैक्सीन लेने के बाद भी उन्हें मम्स हुआ है क्योंकि जैसे जैसे इनका एज बढ़ता जाएगा उनकी इम्यूनिटी भी कम होती जाएगी सो so, इस वजह से अगर वो किसी मम्स वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें ये डिसीज हो जाएगा बट सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे और वो जल्द ही इस डिसीज़ से क्योर हो जाएंगे सो so, इम्यूनिटी कम होने का ये एक रीज़न भी हो सकता है मम्स होने का अभी हम देखेंगे मम्स होने का क्या कारण हो सकता है सो द मम्स वायरस which इज़ अ टाइप ऑफ paramyxovirus, कॉज मम्स सो मम्स ये वायरल डिजीज है मतलब infected पर्सन के contact में आने से मम्स होगा ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में होता है तो ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने से या फिर उसने जो ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं अगर वही ऑब्जेक्ट किसी हेल्दी पर्सन ने यूज़ किया है तो उसे भी ये डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसके अलावा जिसकी इम्यूनिटी वीक है उन्हें भी ये डिसीज़ हो सकता है या फिर जिसने इसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं ली है तो उसे भी ये डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो ये सारे हुए कॉजेस अभी हम इस डिसीज़ के सिम्टम्स देखेंगे सो सिम्टम्स ऑफ मम्स शो अप अबाउट टू टू थ्री वीक्स आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस तो कोई अगर हेल्दी पर्सन इस वायरस के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उस वायरस के कॉन्टैक्ट में आने के बाद दो से तीन वीक के बाद इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे सम पीपल मे हैव नो सिम्टम्स और वेरी माइल्ड सिम्टम तो किसी किसी के अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उनमें कुछ सिम्टम्स दिखाई भी नहीं देंगे बट बहुत से लोगों में इसके सिम्टम्स दो स्टेप्स में दिखाई देते हैं तो इसके स्टार्टिंग में कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर हेड एक मसल एच टायर्डनेस और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा पेशेंट के जो सलेवरी ग्लैंड होते हैं वहाँ पे भी स्वेलिंग आ जाएगी तो उस टाइम कुछ और सिम्टम्स दिखाई देंगे और वो सिम्टम्स है दोनों गालों में सूजन अगर इन्फेक्शन दोनों पैरोटिट ग्लैंड को अगर आ, मम्स वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया तो दोनों गालों में सूजन आ जाएगी इस वजह से गालों में दर्द और अकड़न होगी और कभी कभी माउथ का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे भी स्वेलिंग आ जाएगी वहाँ पे भी सूजन आ जाएगी तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं मम्स के इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन्स भी हो सकते हैं मतलब अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है और अगर उसने वैक्सीन नहीं ली है तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर वो इस वायरस के कॉन्टैक्ट में आएगा तो बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयर है तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिए हैं अगर ये वायरस ब्रेन के आउटर लेयर की तरफ मूव कर गया तो उस पेशेंट में मीनिंगजाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या फिर ब्रेन में इंफ्लामेशन हो गया तो इंसिफेलिस के चांसेस बढ़ जाएंगे नेक्स्ट है आर्थराइटिस इसमें पेशेंट के जॉइंट्स में पेन होगा पेशेंट का परमानेंट हीरिंग लॉस भी हो सकता है मतलब उसकी सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है अगर पेशेंट प्यूबर्टी के फेज में है तो उसके टेस्टिस, अगर वो मेल है तो उसके टेस्टिस और अगर वो फीमेल है तो उसके जो ओवरीज़ है वहाँ पे भी स्वेलिंग हो सकती है तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज यूजली हार्मलेस बट मे वेरा तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है अगर उसे मम्स वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया तो वहाँ पे जनरली साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है मतलब उसका जो बेबी है उसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं, बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकते हैं जैसे कि उस लेडीज़ का मिस हो सकता है प्री मेच्योर्ड बेबी बर्थ हो सकता है बेबी का वेट कम हो सकता है तो ऐसे कुछ रेयर बहुत ही रेयर केसेस में ये प्रॉब्लम हो सकते हैं यह डिसीज़ होने के बाद इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है बट हाँ ये डिसीज़ होने से पहले ही अगर इसके अगेंस्ट वैक्सीन ले ली है तो इस डिसीज़ से बचा जा सकता है इसके कुछ बेसिक ट्रीटमेंट हैं जिससे पेशेंट को कुछ हद तक राहत मिल सकती है जैसे कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लुइड तो पेशेंट ने बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए वार्म वाटर से गार्गलिंग करनी चाहिए वार्म सॉल्टी वाटर से गार्गलिंग करनी चाहिए सॉफ्ट फूड खाना चाहिए ताकि खाना खाते समय उसे दिक्कत ना हो अवॉइड एसिडिक फूड टेक नॉन एस्पेरिन मेडिसिन मतलब फीवर और पेन कम करने की दवाई डॉक्टर को पूछे बिना नहीं लेनी चाहिए तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं मम्स के ऊपर नेक्स्ट देखेंगे प्रिवेंशन वेन फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल गेट मम्स दे यूजली हैव माइल्ड सिम्टम्स एड फीवर कॉम्प्लीकेशन तो प्रिवेंशन में एक ही आएगा हमें इसके अगेंस्ट वैक्सीन लेनी है तो so, वैक्सीन अगर किसी ने ले ली है तो उसे ये डिसीज़ नहीं होगा और वैक्सीन लेने के बाद भी अगर किसी को डिसीज हुआ हो, होता भी है तो उसमें सिम्टम बहुत ही कम दिखाई देंगे और उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखाई देंगे और वो पैसा पेशेंट जो है वो जल्द ही क्योर हो जाएगा सो so, प्रीवेंशन में यहाँ पे वैक्सीनेशन भी इम्पॉर्टेंट है जो वैक्सीन है एमएमआर वैक्सीन तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू